बारात से पूर्व मेहंदी व हल्दी लगाई गई। ताजगंज में श्री दाऊजी महाराज खाटू श्याम मंदिर पर खुशियों का रैला सजा है। हर राम भक्त उल्लास में डूबकर प्रभु श्री राम की बारात की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। सब जग में मेहंदी उत्सव की खुशियां छाई हैं। ढोलक की थाप पर परंपरागत गीत गूंज रहे हैं तो राम सिया के जयघोष से मंदिर प्रांगण का माहौल भक्तिमय बना है। श्री राम बारात कमेटी ताजगंज की ओर से कटरा जोगीदास स्थित खाटू श्याम मंदिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हल्दी मेहंदी लगाई गई। हर श्रद्धालु राम भक्ति में लीन होकर प्रभु की छवि को निहारता रहा। महिलाओं द्वारा कीर्तन में प्रभु राम बजरंग बली के स्वरों की लहरियां गूंजी और महिलाओं ने भजनों पर खूब नृत्य किया। राम जी के भजनों से ताजगंज क्षेत्र को अयोध्या बना दिया गया। मंदिर अध्यक्ष राजू गोयल ने बताया कि कुछ दिन पहले ही प्रभु श्री राम के आगमन से हम भक्तों को नित्य जीवन धन्य हो गया। खाटू श्याम मंदिर पर 5 दिवसीय आयोजन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। श्री राम बारात कमेटी और श्री दाऊजी मंदिर महाराज श्री खाटू श्याम जी ट्रस्ट ताजगंज के संयुक्त नेतृत्व में श्री राम बारात कमेटी के साथ 5 दिवसीय कार्यक्रम खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट ताजगंज बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। सबसे भव्य बात है कि राम बारात लगभग 67 वर्षों से निरंतर ताजगंज में निकल रही है, लेकिन 68वीं राम बारात को जब से युवाओं ने अपने कंधे पर बोझ लिया है तो उस राम बारात का रूप भव्य बना दिया है, जिसमें हमारे सहयोगी खाटू श्याम मंदिर के ट्रस्ट श्री बिक्की भाई, मयंक जी, नितिन गुप्ता जी, हमारे गुप्ता जी, समस्त लोगों ने जो राम भक्त हैं उन्होंने जो बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इस भव्यता को दिखाया है। निश्चित ही मुझे लगता है आने वाले समय में राम बारात का जो भव्य दृश्य होगा वो देखने योग्य होगा और इससे भी भव्य होगा। जय। मैं कृष्णमारिया गोपाल मंदिर संयोजक 1 अक्टूबर राम बारात के उपलक्ष्य में खाटू श्याम मंदिर में दाऊ जी के मंदिर में 5 दिवसीय कार्यक्रम देखा गया है। आज मेहंदी हल्दी का कार्यक्रम हुआ है, कल फूलों की वर्षा होगी और संगीत कार्यक्रम होगा, परसों स्कूटर रैली निकाली जाएगी जो जनकपुरी तक जाएगी और 30 तारीख को भजन संध्या है और 1 तारीख के राम बारात के उपलक्ष्य में मंदिर से बारात निकलेगी। उसमें सब लोगों से मेरी प्रार्थना है राम बारात में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और राम जी के दर्शन का लाभ उठाएँ। एकता जैन है और मैं एकता सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था की अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर श्री दाऊ जी महाराज, खाटू श्याम जी महाराज का जो 300 साल पुराना मंदिर है, यहाँ ताजगंज की जो ट्रस्ट है खाटू श्याम जी की, उनके द्वारा राम बारात का 5 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। आज मेहंदी का कार्यक्रम श्री राम जी के हाथों में जो मेहंदी लगाई गई है, यहाँ सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर आई हुई है और बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है। भजन कीर्तन, उसके साथ साथ एकता डांस अकेडमी, पीएस डांस अकेडमी द्वारा यहाँ बच्चों की बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ भी हुई है। सारस्वत दक्षिण कार्यालय प्रभारी, ये श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का जो ट्रस्ट द्वारा जो है आज राम बारात के ट्रस्ट मेहंदी का 5 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य में कार्यक्रम हो रहा है, कितनी संख्या में बहनें आई हुई हैं यहाँ 5 दिवसीय ये राम बारात के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया और बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम राजू गोयल, में श्री दाऊजी महाराज जी खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष राजू गोयल। ये श्री राम बारात महोत्सव 5 दिवसीय बहुत ही भव्य रूप से श्री खाटू श्याम जी मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसमें कि आज के ना श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी मेहंदी हल्दी और महिला कीर्तन का भव्य प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हजारों संख्या भीड़ है उमड़ रही है। बाबा के प्रभु श्री रामचंद्र जी मेहंदी हल्दी में महिलाओं ने बहुत चढ़ के हिस्सा लिया है, पूरी ताज नगरी उसमें हो गई है। खाटू श्याम जी मंदिर के अंदर पूरी ताज नगरी पूरी बाबा के इतना रंग में रंग गई है कि प्रभु श्री राम जी जयकारे लगा लगाते वो हो रहा है। इसके अंदर कल का अपना 28 तारीख के अंदर पूरी महिला संध्या प्रोग्राम उसका रखा गया है और जो भव्य श्री राम जय प्रोग्राम श्री खाटू श्याम जी मंदिर, ताऊ जी मंदिर था और श्री राम बारात कमेटी की संयुक्त रूप में जो राम बारात का मेला महोत्सव मनाया जा रहा है। और मैं आप मीडिया के शुरुआत से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जिसमें संख्या में जुड़े और बाबा के महोत्सव का आनंद लें। जय श्री श्याम, जय श्री राम।